तो चुनावी अखाड़ा में अब बात करते हैं हम अगली अहम रिपोर्ट की। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के बाद एक बार फिर देश में सियासी हलचल बढ़ गई है। इस बीच प्रियंका गांधी ने पीएम परिषद की रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं, वहीं विपक्ष के दूसरे नेताओं ने भी रिपोर्ट के समय को लेकर अपने सवाल किए हैं और सवाल उठाए हैं। उन्होंने आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि 1950 से 2015 के बीच भारत में बहुसंख्यकों की आबादी 7.8% की तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा भारत के पड़ोसी देशों में बहुसंख्यक समुदाय की आबादी में वृद्धि दर्ज की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। आबादी वाली रिपोर्ट से आया सियासी भूचाल, हिंदू बनाम मुस्लिम की राजनीति को हवा देने वाली साबित हो सकती है रिपोर्ट। बीजेपी का आरोप है ये सब मुस्लिम तुष्टीकरण वाली नीतियों का नतीजा है। बीजेपी बोली कांग्रेस ने देश को धर्मशाला बना दिया। प्रियंका गांधी ने किया पलटवार, प्रियंका ने उठाए सवाल। कांग्रेस का कहना बेरोजगारी, किसान, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर बात हो। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ईएसी पीएम की रिपोर्ट के बाद एक बार फिर से देश में सियासी भूचाल आ गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की स्टडी के मुताबिक भारत में हिंदू आबादी कम हो गई है, जबकि मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और सिखों समेत अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। हालांकि इस अवधि में जैन और पारसियों की संख्या में कमी आई है। 1950 और 2015 के बीच भारत में मुस्लिम आबादी में 43.15% की बढ़ोतरी हुई है। क्या है ईएसी पीएम की रिपोर्ट? पीएम की इकोनॉमिक काउंसिल की स्टडी में खुलासा, 1950 से 2015 के बीच आबादी की स्टडी की गई। देश में हिंदुओं की आबादी में करीब 8% गिरावट। 1950 में अल्पसंख्यकों की आबादी की तुलना में 2015 तक 43.15% का इजाफा। 1950 में मुस्लिमों की आबादी 9.84% थी। 2015 में मुस्लिमों की आबादी बढ़कर 14.09% हो गई। पाकिस्तान बांग्लादेश में बहुसंख्यक बढ़े, पाकिस्तान व बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के आंकड़े। जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, उनकी आबादी में हिस्सेदारी बढ़ी है। बांग्लादेश की आबादी में बहुसंख्यक मुस्लिमों की हिस्सेदारी में 18% का उछाल, पाकिस्तान में बहुसंख्यक 3.75% बढ़े हैं। अफगानिस्तान में भी बहुसंख्यक 0.29% बढ़े हैं। इस रिपोर्ट को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि कांग्रेस ने देश को धर्मशाला बना दिया है, ये भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, कुछ लोग देश को भ्रमित करना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती। 1947 में हिंदू की आबादी लगभग 90% थी और आज हम 70% पर आ गए। आज मुसलमान 20% हो गया है, जो पहले 8% थे। देश में बांग्लादेशी घुसपैठी आए, देश में रोहिंग्या को वोट बैंक के लिए ले आए, मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं, ये लोग देश को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। आज मुसलमानों को बैकडोर से आरक्षण दे रहे हैं। ये हिंदुओं की घटती हुई आबादी, मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी। आप देखें 0 से 14 वर्ष के बच्चे की आयु मुसलमान में कितने परसेंट है, हिंदू में कितने परसेंट है आने वाले दिन में। और दूसरा देखें हमारा फर्टिलिटी रेशियो, उनका फर्टिलिटी रेशियो हिंदुओं के फर्टिलिटी रेशियो से 1% अधिक है, 1.25%। ये 1.25% अधिक होना ये बताता है कि आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। और ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है, उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा तुष्टिकरण रोल रहा आजादी के बाद से। फिलहाल प्रियंका गांधी ने पीएम परिषद की रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग तो रोज रोज कुछ नया बोलते हैं, अपने आप कोई नया मुद्दा उछाल देते हैं। मीडिया से आग्रह है कि आप लोग जनता से जुड़े मुद्दे उठाएं,
ये सवाल कहां से आया है? ऑफिस से आया है। ऑफिस से बोलो कि प्रियंका जी पूछ रही हैं कि किसने भेजा उन्हें। आर्थिक सलाहकार परिषद की एक स्टेडियम पाया गया है, 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी 7.8% घट गई है, जबकि भारत की जनसंख्या में अल्पसंख्यक समूहों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। इस तरह ये सवाल कहाँ से आया आपके पास? ऑफिस की तरफ से ना। ऑफिस को बोलो प्रियंका जी पूछ रही है किसने भेजा उन्हें। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये चिंता की भी बात है, लेकिन इस समस्या का समाधान करने की भी बात है। इस देश में एक देश एक कानून यानी समान नागरिक संहिता की जरूरत है। देश में एक प्रकार की शिक्षा सबको मिले, एक प्रकार के भविष्य का निर्माण हो। हम दो हमारे दो का उद्घोष दिया गया, लेकिन उसको हिंदुओं ने माना, मुसलमान ने नहीं माना। तुष्टिकरण की राजनीति करने वालों ने कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया कि अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आधार पर मुसलमान अपना जीवन जिएगा तो निश्चित तौर पर हम 5 हमारे 25 की जीवन शैली अपनाएगा, जीवन शैली बदलेगी। लेकिन अब समस्या आ गया है कि समान नागरिक संहिता लागू की जाए। वही बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद से आहत हूँ, 8% हिंदू घट गया और 40% मुसलमान बढ़ गया। पाकिस्तान में विभाजन के समय 23% हिंदू था तो घट गया, मार दिया गया, निकाल दिया गया, धर्मांतरण हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता व्यक्त की है, इस देश में तत्काल प्रभाव से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। वहीं बिहार में राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा 2021 में जनगणना होनी थी लेकिन 2024 तक नहीं हुई, लोगों में नफरत फैला रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, 10 साल लोगों को ठगा है और फिर ठगना चाहते हैं। जनगणना होना था, कब होना था? 21 में, 24 आ गया, बिना जनगणना का आप रिपोर्ट दे रही है बीजेपी। बीजेपी का रिपोर्ट क्या देने का मतलब है? वही प्राथमिकता है, वही प्राथमिकता है क्या? यानी चुनाव में आप लोग क्या कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कराना चाह रहे हैं? अब सोच लीजिए देश के लिए कितना खतरनाक आदमी अगर ऐसी बातें हैं तो देश के लिए इससे बुरी बात क्या हो सकती है? और आपको बता दें मुद्दे की बात करनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जैसे बातों से प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री, सबके प्रधानमंत्री, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो या ईसाई हो या आदिवासी हो या एसटी हो, जो भी इस देश का नागरिक है आप सबके प्रधानमंत्री है। आपस में बांटने का काम मत कीजिए, आप काम की बात कीजिए, नौकरी के बारे में बात कीजिए, देश में आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो, अर्थव्यवस्था कैसे बेहतर हो, इस पे आप बात कीजिए। तो इस पे तो बात नहीं कर सकते क्योंकि 10 सालों में इन्होंने कुछ किया नहीं है झूठ बोलने के लिए। स्टडी में किया गया दावा, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की स्टडी के मुताबिक भारत में हिंदू आबादी कम हो गई है, जबकि मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और सिखों समेत अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। हालांकि इस अवधि में जैन और पारसियों की संख्या में कमी आई है। 1950 और 2015 के बीच भारत में मुस्लिम आबादी में 43.15% की बढ़ोतरी हुई है, ईसाइयों में 5.38%, सिखों में 6.58% और बौद्धों में मामूली बढ़ोतरी देखी गई है। म्यांमार में बहुसंख्यक आबादी में सबसे ज्यादा कमी, पड़ोसी देशों से तुलना की जाए तो भारत में बहुसंख्यक आबादी का सिकुड़ना 7.8%, म्यांमार में 10% कमी के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण गिरावट है। भारत के साथ साथ नेपाल में भी हिंदू आबादी में देश में कुल आबादी के 3.6% की गिरावट दर्ज की गई है। पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद की ओर से तैयार की गई इस रिपोर्ट को मई 2024 में जारी किया गया। इसमें दुनिया के 167 देशों में आबादी में आए बदलावों से जुड़े ट्रेंड्स की चर्चा की गई है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।